प्रदीप जी, इस वक्त क्या कुछ हलचल है, चूंकि उत्तराखंड के सीएम इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं? शैलेंद्र शैलेंद्र अभी फिलहाल मुख्यमंत्री सरयू घाट नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले कार सेवक पुरम आ गए हैं। कार सेवक पुरम में चंपत राय जी हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही है, कहेंगे अपने कैमरामैन से, वो महामंत्री हैं, वो आपको बताएंगे। हमारे साथ में एक सज्जन है, उनसे बताएंगे। ये बताइए कि ये कार सेवक पुरम में मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं उत्तराखंड के, कौन कौन लोग हैं जो मीटिंग में शामिल हैं? भाई लोगों को तो पता नहीं है, वो अपने कुछ कार्यक्रम में आए हैं। अच्छा, कार्यक्रम हो रहा है संघ का जी, इसमें पूरे भारत से प्रांतीय कार्यकारिणी बुलाई गई है, और ये कार सेवक फोरम है। यहाँ कार सेवक लोग जब 90 में कार सेवा हुई थी, 90-92 में, तो कार सेवक लोग यहाँ बुलाए गए थे। यहीं से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन वगैरह सब हम लोगों ने किया। तो पूरे जो प्रदेश है, पूरे प्रदेश के प्रांत के अधिकारियों को बुलाया गया है? हाँ, पूरे प्रांत के अधिकारी, छह प्रांत के अधिकारी यहाँ पर। हाँ जी, पूरे प्रांत के जी। तो चलन देखा आपने, हम आपको दिखा दें कि हम विजुअल भी आपको दिखा सकते हैं। ये सामने मीटिंग चल रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बैठे हुए हैं, महामंत्री चंपत राय जी हैं, उनके साथ साथ में जो ये आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस की एक मीटिंग है यहाँ पर, बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है यहाँ पर, और सारे आप देख सकते हैं विजुअल में ये सब लोग हैं, और तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर हैं, और जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी हाई लेवल की मीटिंग यहाँ पर चल रही है कार्तिकपुरम में। यहाँ पर मीटिंग के बाद में फिर मुख्यमंत्री सरयू घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। शरण प्रदीप जी, क्या जो ये दौरा है, चूंकि कहा जा रहा धार्मिक दौरा है, वो दर्शन करने गए, लेकिन 2 दिवसीय दौरा है, ये जो मीटिंग है कितनी खास है, और उत्तराखंड में जो नजदीक है चुनावों को देखते हुए कितनी खास है, और किस तरह की रणनीति इस वक्त वहां बन रही है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एकदम से धार्मिक यात्रा है, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, लेकिन चूंकि चुनाव है, 2022 का रण एकदम सामने है, ऐसे में कोई भी जो यात्रा होती है, चाहे मंदिर की यात्रा हो, चाहे कार्तिकपुरम की यात्रा हो, या आपसे कुछ देर पहले इससे जो गए थे, वो जहां पर मंदिर बन रहा है, जहां पर मेन गर्भगृह है, वहां भी दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ धार्मिक मुद्दा है, और कोई राजनीति का वहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार सुबह से हम उनके साथ में हैं, वो बात कर रहे हैं कि ये पूरी धार्मिक उनकी यात्रा है, और धर्म की यात्रा को लेकर के यहाँ पर वो आए हुए हैं। यहाँ जो आरएसएस की मीटिंग चल रही है, बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग है यहाँ पर, मंदिर के ट्रस्ट के महामंत्री भी, चंपत राय जी भी यहाँ पर मौजूद है। प्रदीप जी, आरएसएस के कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त मीटिंग में शामिल हैं? जैसा मैंने अपने अभी बताया शैलेंद्र, यहाँ पर जितने भी क्षेत्र अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो सारे क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी महत्वपूर्ण बैठक है यहाँ पर, और कैसे मंदिर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, इन सबको लेकर के गहन चर्चा चल रही है। चंपत राय जी हैं, जो कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी और हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर चल रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, बिल्कुल यहाँ पर अलाउ नहीं है, बिल्कुल धार्मिक यात्रा के साथ साथ मीटिंग भी की जा रही है, मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी ये मीटिंग है, और कितनी खास है ये मीटिंग ये भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे आप बने रहें और पल पल के अपडेट यूं ही हमें देते रहें। तो हम लगातार अपने कार्यक्रम में बात कर रहे थे, जो प्लास्टिक की चावल का मामला सामने आया और जो मिलावटी नमकीन का मामला सामने आया, उम्मीद करते हैं इस खबर के माध्यम से इसका असर पड़ा।